आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। कुछ देर में इंफोसिस के नंबर्स जारी होंगे। तीन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बातचीत हम कर रहे हैं आज की रणनीति की, आपकी स्ट्रैटेजी आईटी स्टॉक्स पर, इंफोसिस पर क्या होनी चाहिए और कौन से ट्रेडिंग बेट्स आज आप चुन सकते हैं। आशीष, दो ट्रेड जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज इंट्राडे के लिहाज से। पहला जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 174 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 189 के लक्ष्य होंगे यहाँ पे। दूसरा जो स्टॉक जो मेरे रडार पर है जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो है GHCL। इसने भी एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, स्टॉप लॉस होना चाहिए 278 का और लक्ष्य होगा 297 का। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें कल काफी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव था। एक बजे आप मिड कैप गेनर्स पे आइए, देखिए कुछ देर में इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, उसके बाद शायद मौका ना मिले मिड कैप को देखने का। लेट्स टेक मिड कैप गेनर्स, जिनमें मिड कैप में कल काफी अच्छी खासी मजबूती थी। पेट्रोनेट, दो स्टॉक्स मिड कैप में पेट्रोनेट, वहाँ लार्ज कैप में गेन, इन्होंने कमाल कर रखा है अगर आप देखें। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पे काफी अच्छी खासी मजबूती थी। सेकंड स्लाइड में आते हैं अगर आप देखें मिड कैप गेनर्स में, वहाँ था एक मैक्स फाइनेंशियल, AVB इन द कैपिटल गुड्स स्पेस। ये आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है वर्सेस द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ BHL एंड L&T। NHPC था ठीक ठाक। तीसरा स्लाइड पे देखते हैं, एक स्टॉक लिया मैंने पेट्रोनेट, दूसरा लिया मैंने ABB और तीसरा यहाँ से मैं आई थिंक पिक कर सकता हूँ ऑल इंडिया, नो डाउट। दो रुपये ऊपर कल रहा लेकिन आई थिंक इस गिरते बाजार में दो रुपये ऊपर होना एक सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। इसमें से क्या पिक करेंगे आप एग्जैक्टली सुनील? एक पेट्रोनेट ले लेते हैं, गे ले लेते हैं, ABB कैपिटल गुड्स बास्केट से ले लेते हैं और एक ऑल इंडिया, इन चारों में से प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होगा आपका इस वक्त? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक इनमें से कवरेज नहीं है हमारा, बट लेकिन गेल की हाल की स्ट्रेंथ पर और पेट्रोनेट की हाल की स्ट्रेंथ पर आपकी राय क्या है? देखिए करंट एक्सपेक्टेशंस जो है पेट्रोनेट के रिजल्ट्स वगैरह की, वो एक्सपेक्टेशंस अच्छी है और उसके कारण ये स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस भी कंसिस्टेंटली ऊपर जाते जा रहे हैं और जिस तरीके से गैस का ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपेक्टेशन है कि आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से ये मूवमेंट आ रहे हैं। बट यहाँ से कोई टारगेट प्राइस वगैरह या वो देने हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारा कवरेज नहीं है। ओवरऑल डायरेक्शनली क्वाइट पॉजिटिव है, बट क्या यहाँ से टारगेट प्राइस बनता है या यहाँ पर ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बोलना मुश्किल है जी। आशीष, ये टायर स्टॉक्स में कोई नया ट्रेड आप लेना चाहेंगे ये ध्यान में रखते हुए कि कल वीक मार्केट में भी स्पेशली आखिरी के घंटों में इन स्टॉक्स में एक अच्छी वाइब्रेंसी दिखी थी और सडन स्पाइक के साथ ही सभी शेयर्स पर, चाहे वो C8 हो, JK टायर हो, पोलो टायर्स हो, दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए थे। कोई ट्रेड आप लेंगे टायर स्पेस से आज? C8 और JK टायर दोनों का चार्ट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो दोनों ही अच्छे स्टॉक चार्ट फॉर्मेशन बना रहे हैं, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक चुनना है तो मैं डेफिनेटली JK टायर चुनूंगा क्योंकि इसमें जिस तरह से वॉल्यूम भी कल दिखे गए थे और जिस तरह का फॉर्मेशन देख रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि बुलिश मोमेंटम आज भी जारी रहने की संभावना है। यहाँ पे नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, 153 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आज के ट्रेड के लिए और लक्ष्य जो होगा वो होगा 165 का। संजीव, अभी हमने अपनी जो बातचीत थी ना उसे लार्ज कैप IT तक सीमित रखा, स्पेशली अगर आप देखें TCS तक, स्पेशली इंफोसिस तक। थोड़ा सा मूव करते हैं मिड कैप IT की तरफ। मिड कैप IT में आपका रुझान क्या है इस वक्त? कुछ स्टॉक्स जो कि क्लाइंट्स को आप लोगों ने रिकमेंड किए हों, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको काफी अच्छे लग रहे हों? देखिए हमारा पूरा जो IT सेक्टर में लास्ट 2 ईयर से हमारा कॉशियस स्टांस बना हुआ है क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी बहुत सारे वोलेटिलिटी और बहुत सारा पेन अभी भी बाकी है देखने के लिए IT सेक्टर में, तो कोई हम स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहे ऐसे। लेकिन एक स्टॉक है जो हम लास्ट 2-3 साल से बाय लिस्ट में ही है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि वो अकेला स्टॉक है जहाँ पे डिजिटल रेवेन्यू अभी मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, तो और ग्रोथ विजिबिलिटी इज वेरी हायर इन द मिड कैप स्पेस फॉर परसिस्टेंट एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर। तो एक ही स्टॉक होगा परसिस्टेंट जहाँ पे मैं अभी भी बाय ये लेवल पे भी करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट हैव अ कॉन्क्रीट बाय ऑन एनी अदर मिड कैप IT कंपनीज जी। एक GNFC पर पॉजिटिव खबर है आज, एक पॉजिटिव रुझान इस क्षेत्र में आज देखा जा सकता है। TDI कीमतें बढ़ाई हैं कंपनी ने, देश की इकलौती TDI बनाने वाली कंपनी है और डेफिनेटली इससे फायदा होगा। स्टॉक करीब 1.5% बढ़कर 185 पर बंद हुआ था। आशीष, क्या व्यू है आपका GNFC पर?
एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक है मेरा इस चार्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे अगर नया कोई जिसने लॉन्ग पोजीशन लिए डेफिनेटली होल्ड करें, नई पोजीशन अगर बनानी है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। 189 के ऊपर ये स्टॉक अगर चलता है तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 185 का और लक्ष्य होगा 196 का। चलिए एक दो चीज और देख लेते हैं। आई मीन कल जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थी उसको लेकर हमने बात कर ली, लेकिन सबसे वीक प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर शायद अब तक हमने बात नहीं करी। अब याद रखिए शुरू में जो हमने बात की थी, डिस्कशन की थी कि जब तक हम क्रिटिकल लेवल्स को पार नहीं कर लेते ये सेल एंड राइज का मार्केट ही होगा। उसमें आई थिंक बैंकिंग सबसे अगर आप देखें दुरुस्त तरीके से फिट होता है, लेकिन मैं आई थिंक इस मुद्दे को भी थोड़ा सा स्किप करता हूँ। लेट्स चेक एक्जैक्टली हाउस व्यूज आए क्या है पोस्ट, आई मीन जो नंबर्स आए हैं उसके बाद। संदीप हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। संदीप बताइए फ्रेश हाउस व्यूज क्या कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? शुक्रिया वीरेन, TCS की बात ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अलावा जो कुछ ब्रोकिंग हाउसेज के कॉल आए हैं उसमें JNK बैंक पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने रेटिंग आउट परफॉर्म से घटाकर न्यूट्रल किया, जो टारगेट प्राइस है उसे भी रिड्यूस किया है। 77 रुपीज़ का पहले टारगेट प्राइस था उसे अब घटाकर 68 रुपीज़ किया है और EPS के अनुमान में 37 से 49 फीसदी के आसपास कमी करी। उनका ये कहना है जिस तरह से JNK स्टेट में पॉलिटिकल अनरेस्ट है उससे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी दबाव देखने को मिला और यही कारण है कि इनका जो पूरा कमर्शियल लोन पोर्टफोलियो है जो कि इनके टोटल लोन बुक का करीब 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, उस पूरे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और उसके वजह से आने वाले समय में इनके जो नंबर्स है उसके ऊपर इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। उनका ये भी कहना है कि FY18 के लिए 0.9 times प्राइस टू बुक वैल्यू के जो वैल्यूशन हैं वो शेयर उसके मुताबिक सस्ता नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से उन्होंने रेटिंग को भी कट किया और साथ ही साथ टारगेट प्राइस भी रिड्यूस किया है। अगला जो कॉल आया है वो क्रेडिट स्विस की ओर से सिप्ला पर आया है और परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट उन्होंने 675 रुपीज़ का बताया है। फार्मा सेक्टर में उनकी टॉप पिक है, उनका ये कहना है इंदौर इकाई के लिए इनको जो USFDA से मंजूरी मिली है, जो क्लीन चिट मिली है, वो उससे USFDA की जो दिक्कतें हैं उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और उनका ये भी कहना है कि 2020 तक मार्जिन जो है वो 20% के पार जाकर स्थिर होते हुए दिखेंगे, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ जुबिलेंट लाइफ पर नोमुरा का एक कॉल है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है 567 से बढ़ाकर 804 रुपये का टारगेट उन्होंने रखा है। यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक कैश फ्लो में सुधार से उनको लगता है कि शेयर की जो री रेटिंग है वो देखने को मिल सकती है और FY19 तक रेडियो फार्मा का जो बिड्डा है उसमें करीब 40% के आसपास का योगदान टोटल बिड्डा में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इस वजह से इस काउंटर में भी आने वाले समय में जो तेजी है वो शायद सस्टेन करती नजर आ सकती है। आखिर में क्रेडिट स्विस की एक वेदांता के ऊपर कॉल आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 205 रुपये का पहले टारगेट प्राइस था अब उसे बढ़ाकर 244 रुपये किया है। उनका ये कहना है ईवी बाय बिड्डा के बेसिस पर जो वैल्यूशन हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अगले 2 साल तक बिड्डा में 30% से 40% के आसपास की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ये कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होती हुई नजर आ सकती है और छोटी अवधि में जिस तरह से जिंक की कीमतों में उछाला है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने जो आउट परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखा, जो टारगेट प्राइस है उसे ऊपर की ओर रिवाइज किया। शुक्रिया संदीप आपका ये हाउसेस बताने के लिए। सुनील एक छोटा कमेंट आपका जुबिलेंट लाइफ पर, अभी नोमुरा की रिपोर्ट की बात कर रहे थे संदीप, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी और आप देखिए पिछली अर्निंग्स से स्टॉक ने चलना शुरू किया था और वो मोमेंटम अभी तक बना हुआ है और आगे भी रेडियो फार्मा बिजनेस को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग होप्स हैं। इस रनअप के बावजूद भी क्या बायर हैं जुबिलेंट लाइफ पर या फिर कोई और थॉट्स हैं आपके? ऐसी देखिए लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसके बाद में और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद में स्टॉक्स ने एक अच्छा बड़ा रनअप दिया हुआ है। नो डाउट इसमें जो फार्मा बिजनेस है उसका मेन कंट्रीब्यूशन है और उसमें फिर बाद में जो डेवलपमेंट वगैरह भी आए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। सी कंपनी में पोटेंशियल्स काफ़ी है और इसके जो पुराने जो तकलीफ थी वो धीरे एक बाई एक करके कम हो रही है और वो सब फाइनेंशियल्स में अब रिफ्लेक्ट होना चालू हो रही है। कंपनी में एक ही कंसर्न है कि डेट बहुत ज़्यादा है और वो डेट रिडक्शन करने का जो एक प्लान है वो कंक्रीट अभी तक सामने नहीं है। नो डाउट लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक सब्सटेंशियल करीबन 200 से 300 करोड़ का डेट एक साथ में कम किया था और उसको मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया था। डायरेक्शनली मुझे पूछेंगे तो ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट कोई भी करेक्शंस आए तभी स्टॉक को लेना चाहिए।